हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी नीट और जेई की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम से आपको वीडियो नहीं मिला, पर अब रेगुलर वीडियो मिलेगा आपको, कंसिस्टेंट मतलब आपको वीडियो मिलेगा। ये एक क्वेश्चन है जो दिव्यांशु सिंह नाम के एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, बता दीजिए। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन है और एक बेहतर बच्चा ही बेहतर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं फिजिक्स में। ये SHM का क्वेश्चन है। पहला जो मेथड होता है वो हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव फेज, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट से मैं बता दूं, एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ जो बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है, और वो है फेजर। फेजर जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को लेके हम SHM में बहुत सारे क्वेश्चन एक लाइन दो लाइन में कर सकते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको फेजर से ही सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो दो पार्टिकल है ऑसिलेटिंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये तो बात क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो वो क्रॉस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब देखो, अब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। चलो यहाँ बना लूँ, ये यहाँ से मैंने बना लिया, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में वो दोनों SHM कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो लाइन है, ये टी इज इक्वल टू जीरो में मीन पोजिशन सेट कर देता हूँ। कुछ बताया नहीं गया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है मीन, ये एम्पलीट्यूड ले लिया मैं, ये जो है वो प्लस ए एम्पलीट्यूड हो गया, और इधर जो है वो माइनस ए एम्पलीट्यूड ले लेता हूँ मैं। ये बात आपको सबको समझ में आ रही है। अब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं साइड बाय साइड। मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन की साइड जा रहा है, यहाँ जाके रुकेगा यार, ठीक है, उसको रुकना ही पड़ेगा, तो यहाँ जाके रुकेगा। तो यहाँ ये डिस्टेंस इन्होंने बताया है कि ए बाई टू है, तो दूसरा वाला किधर होगा? तो जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो यहाँ होगा, और वो टुवार्ड द मीन पोजीशन की साइड जा रहा होगा, तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यार। ये मीन पोजीशन से की साइड लौट रहा और ये इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्लियर हुआ। तो कहता है फाइंड स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू पाथ, इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द टू पार्टिकल, उनमें फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। टू पार्टिकल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ। अब स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर पाथ इस टाइप से हैं जो कि हमें समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान है और इसको हम आसान तरीके से ही कर देते हैं। अब आपको जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करना, मैं फेजर पे अलग से वीडियो बना दूंगा। ये फेजर टेक्निक में एक सर्कल बनाते हैं हम, सर्कल के पास एक सेंटर होता है ये वाला, और ये डॉट डॉट लाइन ये है वो रेडियस होती है। तो ये जो रेडियस होती है यही SHM करने वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है। अब ध्यान से समझना, इसमें एक पार्टिकल होता है फेजर टेक्निक में जो सर्कल पे मोशन करता है, टी इक्वल टू जीरो पे सर्कल पे मोशन करेगा इस टाइप से, अभी ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, समझना। ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, किसी पे भी डाल सकते हो। अभी मैं वाई एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो वो जो परपेंडिकुलर है प्रोजेक्शन है वो पॉइंट SHM करता है। तो अगर इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे कोई SHM करेगा पार्टिकल, तो वो मीन पोजीशन से दूर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर रुक नहीं पाएगा, फिर इधर आएगा, यार ये इस तरह से करेगा। तो अभी कहाँ है पार्टिकल? देखो ए बाई टू पर है, तो ए बाई टू यहाँ पर आएगा, ये वाली डिस्टेंस ए बाई टू हो जाएगी, मतलब रेडियस ए बाई टू, और ए बाई टू तब पॉसिबल है। तो ये वाला जो सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल वो यहाँ होगा, तब जाके उसका परपेंडिकुलर ए बाई टू पर आएगा, और पॉइंट पॉइंट पी है, पॉइंट पी उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन का पॉइंट है जो कि ऊपर मुझे, जैसे जैसे पार्टिकल इधर जाएगा ऐसे ऐसे वैसे ये प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा, फिर ये पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट में है, प्रोजेक्शन नीचे आएगा। तो
तो ये पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उस पॉइंट, वो जो पॉइंट प्रोजेक्शन है वो SHM कर रहा है इस वाई एक्सिस के लोग। ये बात क्लियर हो गया। अब पहला वाला पार्टिकल को हमने डिनोट किया, फेज क्या होता है, जहां से चला था सिंपली स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, तो यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल होती है फेज फाई वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, इसको निकाल लो फाई वन, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस है जो कि एम्पलीट्यूड ए है और ये फाई है, और ये डिस्टेंस ए बाई टू है, तो ये भी डिस्टेंस ए बाई टू होगा। तो ये अगर ए बाई टू हो गया तो लगा दो साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई वन इज इक्वल टू ए बाई टू और अपन ए, तो ए ने ए को खा गया, तो वन बाई टू, और वन बाई टू मतलब 30 डिग्री। तो ये जो है वन बाई टू मतलब ये पूरा फाई की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री फाई वन। तो जो एंगल फाई वन आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेज पहला वाला जो पार्टिकल है वो उसका फेज फाई वन है, हम दोनों में फेज डिफरेंस निकालना। तो अब लोकेट करो ये वाला पार्टिकल कहाँ होगा, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ होगा यार, तो वो इसी पॉइंट पर होगा भाई, इसी पर डालें, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए समझने की कोशिश करना, सर ये वाला जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यहाँ होगा, तब तो जाके इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो नीचे जाएगा भाई, परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये नीचे जाएगा, ये पॉइंट पी के बारे में सोचो। तो यहाँ से जब तुम मिलाओगे ये वाला एंगल, ये मिलाओगे तो ये इसका फेज फाइ टू आ जाएगा, फेज फाइ टू ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो ये जो फेज फाइ टू है, तो फेज टू डिफरेंस है, एक तरीका ये है निकालने का कि फाइ टू निकालो और फाइ टू माइनस फाइ वन कर दो, ये सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसमें हमें फेज डिफरेंस चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। देखो ये एक पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो उसका फेज ये फाई वन हो गया, और दूसरा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो उसका ये फेज फाई टू हो गया, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस यार ये वाली जो एंगल है दैट इज द फेज डिफरेंस। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये भी 30 होगा क्योंकि ये a बाई टू है, तो ये r है, तो ये पूरा 180 हुआ, तो ये फेज डिफरेंस कितना आ गया, फेज डिफरेंस आ गया डेल्टा फाई दैट इज 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 120 को ये पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, और ये आ जाएगा 2π/3 इसका सोल्यूशन है। या नहीं तो आप फाई वन निकाल लो और यहाँ से ये फाई टू निकालो, दोनों में से घटा दो 2π/3, ऐसे भी आ जाएगा, आप जैसे मन करो वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो। और कुछ व्यूअर मेरे कमेंट कर रहे हैं कि सर मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, तो मैं कंसिस्टेंट मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए डालूंगा, और जो मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा वो मतलब बहुत ही मतलब उसमें एक जान होगा यार, उसमें मतलब एक बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन होंगे, एक कहानी होगी जो तुम्हें इनर्जेटिक करेगी, एक एक्सटर्नल पुश देगी, एक मोटिवेशन देगी। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, कोई दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो और हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।